ओपी जिंदल के पास कबाड़ के गोदाम में लगी भयंकर आग, एक ही परिवार के चार लोगों की आग से झुलसने से हुई मौत। दुखद और दर्दनाक हादसा हरियाणा के यमुनानगर का है, जहां एक ही परिवार के चार लोग बुरी तरह से आग में झुलस गए। सिटी सेंटर और ओपी जिंदल के पास कबाड़ के गोदाम में इतनी भयंकर आग लग गई जिससे वहां रह रहे एक ही परिवार बुरी तरह से झुलस गया और पिता और उसके तीन बच्चे सहित चार लोगों की मौत हो गई। पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने गोदाम के साथ लगते घरों के ऊपर से गोदाम की दीवार तोड़ चारों शवों और लेबर के बाकी अन्य लोगों को निकाला गया, जहां लेबर बने 8 क्वार्टर में 22 लोग रहते थे। कई घंटों की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं चार लोगों की मौत से इलाके में मातम परस गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने बताया कि लगभग उन्हें 2 बजे इसकी सूचना मिली थी और तब से अब तक लगभग 6 गाड़ियां रूटीन वाइज बार बार आग पर काबू पाने का काम कर रही हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर मेयर मदन चौहान भी पहुंचे, उन्होंने भी मौके का जायजा किया। साथ ये एक नवीन का गोदाम है ऑफिस सेंटर के पास, इसमें रात अचानक आग लगी है, किस कारण का भी पता कर रहे हैं। और इसमें ऊपर 8 क्वार्टर थे जिसमें 22 लोग रहते थे, बच्चे औरतें और आदमी उनके, उनमें से 4 आदमी अभी अस्पताल में रहते हो गए, इलाज के दौरान एक लेडीज बच गई। 4 लोगों को भी हमने दीवार फाड़ गए और उसके फायर ब्रिगेड की इमदाद से निकाला है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुला ली थी, एम्बुलेंस और वगैरह सारे प्रबंध थे। एक गाय और बछड़े का भी कुछ जिक्र हो रहा है। गाय भी मरी है। लगभग कितने बजे की घटना है ये? ये करीब 2 बजे की सूचना मिली थी हमारे को, और 2 बजे ही पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वगैरह सभी पुलिस पहुँच गई। तो जिनकी डेथ हुई है एक ही परिवार के? एक ही परिवार के हैं, एक लेडीज बची है इसी परिवार की, 2-3 बच्चे इसके और एक आदमी है, जिनको हमने दीवार तोड़ कर और बाहर निकाला। उस टाइम तक उनकी सांसा चल रही थी लेकिन इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। तो सर सभी लेबर को बाहर निकाल लिया गया? हाँ, सभी लेबर को बाहर निकाल लिया गया। लगभग 2:30 बजे हमारे को सूचना मिली कि सिटी सेंटर रोड पे कबाड़ का गोदाम है, उसमें आग लगी है। जैसे ही सूचना मिली हमने 2 गाड़ी मौके पर भेजी, तो यहाँ जो गाड़ी आई उन्होंने देखा कि आग ज़्यादा थी, तो 4 गाड़ी हमने मौके पर और भिजवाई। इसके अलावा साथ में राशि मकान बने हुए हैं, तो पता लगा कि उसमें जो है 3 बच्चे और एक आदमी अंदर फंसा हुआ, तो हमने लोकल आदमियों की मदद से, भाई इसका रास्ता किधर को अंदर जाने का, उन्होंने रास्ता बताया, पीछे से दीवार तोड़ के 3 जो थे, 2 बच्चे और आदमी को निकाल लिया गया। तो एक बच्चा रह गया, उसका पता नहीं लगा। फिर हम अगली साइड से जो है उसमें गए, तो वो रसोई में पड़ा मिला बच्चा हमारे घर, उसको तुरंत निकाल के सिविल अस्पताल भिजवा दिया और आग जो है पूरी कंट्रोल कर दी गई है। सर बाकी लेबर के भी लोग थे, बताया जा रहा है कि 22 लोग यार निकल गए थे, उनकी संख्या क्या है उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन 4 जो है कैजुअल्टी हमने निकाली। कितनी गाड़ियाँ लगी भाई जी? 6 गाड़ियाँ जो है अभी भी सर लगातार रात से ही पानी दे रही है लगातार, तो अभी भी चल रहा है रात बचाव कर रहे हैं अभी, मतलब कि कूलिंग वाला काम रह गया है, थोड़ा बिल्डिंग जो है ना क्रैप्स होने का खतरा है, इसलिए हम जो है थोड़ा लापरवाही ना, मतलब कि थोड़ा ऐसा काम कर रहे हैं कि किसी को चोट वगैरह ना लगे, कूलिंग वाला काम रहेगा, बाकी आग कंट्रोल कर। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।